Hello friends, welcome to my channel Great Changer. In this video we will be learning the third poem of class 9th, The Solitary Reaper, which is written by William Wordsworth. Friends, ye bahut hi achhi poem hai. So let's begin. First line says, friends, behold her single in the field, yon solitary highland lass. Theek hai? So friends, behold, the word behold means see her. Behold का मतलब होता है friends, उसे देखो, देखो, ठीक है? Behold का मतलब होता है to see. तो friends, writer कहता है, see her, single in the field. वो field में, field मतलब आप सब जानते होंगे, field मतलब farm, खेत. वो कहता है writer, see her, single in the field. वो field में अकेली खड़ी है. Yon solitary highland lass. Yon का मतलब होता है there, वहाँ. वहाँ पे वो अकेली, सॉलिटेरी का मतलब होता है लोनली, अकेली. तो राइटर कहता है, सी हर, शी इज सिंगल इन द फील्ड एंड देयर शी इज लोनली हाईलैंड लेस. हाईलैंड का मतलब होता है फ्रेंड स्कॉटलैंड. यहाँ पे देखो, हाईलैंड लेस, अ गर्ल हु लिव्स इन द हाईलैंड्स, माउंटेन रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड. फ्रेंड्स, बेसिकली राइटर जब स्कॉटलैंड के माउंटेनियस रीजन से जब ट्रेवल कर रहे थे, तब उन्होंने इस लड़की को देखा. तो हाईलैंड लेस का मतलब, हाईलैंड मतलब होता है फ्रेंड स्कॉटलैंड, आप सब जानते होंगे स्कॉटलैंड. लेस, अ गर्ल हु लिव्स इन द हाईलैंड्स, माउंटेन रीजन ऑफ स्कॉटलैंड. ठीक है, हाईलैंड मतलब माउंटेनियस रीजन ऑफ स्कॉटलैंड. तो फ्रेंड्स, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, वहां पे वो, यॉन का मतलब मैंने आपको बताया देयर, वहाँ पे वो अकेली स्कॉटलैंड की लड़की खड़ी है. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और वो क्या कर रही है, शी इज रीपिंग. रीपिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कटिंग डाउन द क्रॉप्स, मतलब टू कट समथिंग. रीपिंग का मतलब कटिंग, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कटिंग डाउन एंड गैदरिंग अ क्रॉप सच एज कॉर्न और राइस. फ्रेंड्स, जब क्रॉप उग जाती है तो उसको फार्म में कट किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. तो रीपिंग का मतलब होता है कटिंग डाउन द क्रॉप्स. तो फ्रेंड्स, राइटर कहता है कि वो लड़की फार्म में खड़ी थी और क्रॉप्स को कट कर रही थी और सिंगिंग कर रही थी, वो एक गाना गा रही थी अकेली, ठीक है. स्टॉप हियर और जेंटली पास. फ्रेंड्स, राइटर कहता है या तो यहाँ पे रुक जाओ या फिर चुपचाप यहाँ से चले जाओ, चुपचाप यहाँ से पास हो जाओ, ठीक है. अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलनकोली स्ट्रेन. फ्रेंड्स, राइटर कहता है कि वो अकेली क्रॉप्स को काट रही है, कट कर रही थी और ग्रेन को बाइंड कर रही थी. बाइंड का मतलब वो शीव्स, मतलब शीव्स बना रही थी. शीव्स मतलब फ्रेंड्स पुली, पुली जिसे कहते हैं. तो वो क्रॉप्स को कट कर रही थी और उनको बाइंड करके उनके शीव्स बना रही थी, पुली बना रही थी ग्रेन्स की, ठीक है. जैसे अपन इस फोटो में देख सकते हैं, उसने क्रॉप को कट करके शीव्स बना दिए हैं. और नेक्स्ट लाइन सेज फ्रेंड्स, एंड सिंग्स अ मेलनकोली स्ट्रेन. मेलनकोली स्ट्रेन का मतलब होता है फ्रेंड्स सैड सॉन्ग, ठीक है. यहाँ पे देखिए, मेलनकोली स्ट्रेन मीन्स सैड सॉन्ग, ओके. तो फ्रेंड्स, राइटर कहता है कि शी इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. ओ सुनो, वेल प्रोफाउंड, वेल प्रोफाउंड मतलब डीप वैली. वेल का मतलब वैली एंड प्रोफाउंड मतलब डीप. तो राइटर कहता है डीप वैली में उसका साउंड ओवरफ्लो कर रहा है. इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, द डीप वैली इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, मतलब पूरी वैली में उसका साउंड जो है अच्छे से ओवरफ्लो कर रहा है. पूरा मतलब डीप वैली में उसका साउंड जो है वो एकदम अच्छे से गूंज रहा है, सुनाई दे रहा है अच्छे से, ठीक है. नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स. किसी भी नाइटिंगेल ने, नाइटिंगेल मतलब फ्रेंड्स बुलबुल, एक नाइटिंगेल बर्ड होती है, सिंगिंग बर्ड. तो राइटर कहता है किसी भी नाइटिंगेल ने, डिड एवर चैंट, एवर चैंट, चैंट मतलब फ्रेंड टू सिंग, किसी भी नाइटिंगेल ने कभी भी इतना अच्छा गाना नहीं गाया था. मोर वेलकम नोट्स, वेलकम नोट मतलब वेलकम सॉन्ग्स. तो फ्रेंड्स, राइटर कहता है कि किसी भी नाइटिंगेल ने आज तक इतना अच्छा गाना नहीं गाया, इतने अच्छे वेलकम सॉन्ग्स नहीं गाए थे. किनके लिए? वियरी बैंड्स. वियरी बैंड्स मतलब होता है टायर्ड ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग्स अरेबियन सैंड्स. तो किसी भी नाइटिंगेल ने आज तक इतने अच्छे गाने, इतने
अच्छे वेलकम सॉन्ग्स नहीं गाए थे उन टायर्ड ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स के, जो कि किसी शेडी हॉन्ट, शेडी मतलब छायादार जगह, किसी शेडी हॉन्ट में रुके हुए थे। कहाँ पे? अरेबियन सैंड्स में, अरेबियन डेजर्ट्स में। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक अपन ने यही पढ़ा कि एक लड़की एक यौन सॉलिटरी हाईलैंड लैस स्कॉटलैंड में किसी फील्ड में अकेली गाना गा रही है, वो क्रॉप्स को कट कर रही है और उनके शीव्स बना रही है, उनको बाइंड कर रही है, और एक सैड सॉन्ग गा रही है और पूरी वैली में उसका साउंड ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अपन ने देखा कि राइटर कहता है कि किसी भी नाइटिंगेल ने कभी भी इतना अच्छा गाना उन थके हुए ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं गाया था, जो कि इतना अच्छे वेलकम नोट्स उन थके हुए ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं गाया था, जो कि किसी शेडी हॉन्ड में, किसी छायादार जगह में, अरेबी जो कि अरेबियन सैंड्स में होगी, उसमें नहीं गाया था। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फादेस्ट है ब्रीड्स। तो फ्रेंड्स, राइटर कहता है कि इतनी थ्रिलिंग वॉइस, इतनी इंटरेस्टिंग रोमांचक वॉइस कभी भी किसी कुकू बर्ड से भी नहीं सुनी हुई हो, नेवर वॉज हर्ड, कि कभी भी किसी कुकू बर्ड ने स्प्रिंग टाइम में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, राइटर कहता है कि इतनी थ्रिलिंग वॉइस कभी भी किसी कुकू बर्ड ने स्प्रिंग टाइम में नहीं गाई थी, और कुकू बर्ड की जो वॉइस होती है जब वो स्प्रिंग टाइम में गाती है, तो वो वॉइस जो सीज है फारदेस्ट हैब्रिड्स में, मतलब दूर दरार के हैब्रिड्स आइलैंड के जो उधर सीज है, उधर के साइलेंस को कुकू बर्ड की वॉइस जो है वो उसके साइलेंस को ब्रेक करती है। साइलेंस ऑफ द सीज मतलब जो सीज की शांति होती है, कामनेस, उसको कुकू बर्ड की, कुकू बर्ड के सॉन्ग, कुकू बर्ड की वॉइस स्प्रिंग टाइम में उन सीज की, जो कि कहाँ पे है, हैब्रिड्स आइलैंड के उधर उस साइड के सीज की साइलेंस को कुकू बर्ड की वॉइस ब्रेक करती है। तो फ्रेंड, राइटर कहते हैं कि जो हाईलैंड लैस है, जो कि वो लड़की जो कि फार्म में गा रही है, उसकी वॉइस उस कुकू बर्ड से भी ज्यादा थ्रिलिंग है, ठीक है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। राइटर बोलता है कि क्या मुझे कोई बता नहीं सकता कि वो क्या गा रही है। परहैप्स, शायद, द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, प्लेंटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स सैड, और नंबर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं म्यूजिकल नोट्स के लिए। तो जो सैड म्यूजिकल नोट्स है उनसे तो यही लग रहा है कि वो एक कोई ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, मतलब कोई पुरानी दुखी बात होगी उसके लिए वो गा रही हो, कोई ओल्ड अनहैप्पी थिंग हो, या फिर बहुत पुरानी कोई बैटल, एक बैटल कभी कोई लड़ी हो गई होगी उस पे वो गा रही हो, ठीक है। और इज इट सम मोर हम्बल ले, या राइटर बोलता है ये भी हो सकता है कि वो कोई हम्बल ले हो, मतलब कोई सिंपल सॉन्ग हो जो कि किसी फैमिलियर मैटर पे हो, आजकल के किसी नोन मैटर पे हो, सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, या फिर वो कोई नेचुरल सोरो भी हो सकता है, कोई नेचुरल पेन भी हो सकता है, कोई नेचुरल लॉस भी हो सकता है जो कि कभी हुआ हो और वापस भी हो सकता हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, राइटर ने यहाँ पे यही कहा कि क्या कोई मुझे बता नहीं सकता कि वो क्या गा रही है, उसके सैड सैड म्यूजिकल नोट से लगता है कि वो कोई पुरानी अनहैप्पी बात हो उस पे गा रही हो, या फिर कोई पुरानी बैटल जो कि लड़ी गई हो उस पे गा रही हो, या ये भी हो सकता है कि वो कोई सिंपल सॉन्ग हो जो कि आजकल के किसी नॉन मैटर पे हो, या फिर वो कोई नेचुरल सोरो, लॉस और पेन पे भी हो सकता है जो कभी हुआ हो और वापस हो सकता हो। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। व्हाटएवर द थीम द मैडन सिंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बैंडिंग। फ्रेंड्स, राइटर कहता है वॉट एवर द थीम, जो भी उस सॉन्ग की थीम है, थीम मतलब जो भी उस सॉन्ग का सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, द मैडन सिंग जिसपे वो मैडन गा रही हो, मैडन मतलब फ्रेंड्स यंग गर्ल, तो जिस भी सब्जेक्ट पे वो यंग गर्ल गा रही है उसका गाना ऐसा लग रहा है जैसे उसके गाने की कोई एंडिंग ही नहीं है, वो एंडलेस सॉन्ग लग रहा है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, राइटर कहता है मैंने उसे काम करते हुए देखा और काम करते करते उसने उसको गाते हुए भी देखा। एंड ओवर द सिकल बैंडिंग, और वो सिकल, मैंने उसको देखा कि वो सिकल पे बैंड हो रही थी, मैंने ये भी देखा
कि वो सिकल के ऊपर बेंड हो रही थी। फ्रेंड सिकल होता है, सिकल एक एग्रीकल्चरल टूल होता है, ठीक है। तो राइटर कहता है कि भले कोई भी थीम हो जिस पे वो मैडम गा रही हो, पर मैंने यंग गर्ल गा रही हो, पर मैंने उसे देखा, उसके गाने की उसका गाना एंडलेस लग रहा था, उसका गाना क्या कोई एंड नहीं लग रहा था। और राइटर कहता है मैंने उसे गाते हुए काम करते हुए देखा और मैंने देखा कि वो सिकल के ऊपर बेंड हो रही थी। मतलब सिकल मैंने आपको बताया एक एग्रीकल्चरल टूल होता है फ्रेंड्स। इस फोटो में भी आप देख सकते हैं ये जो टूल है ये होता है सिकल, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल। राइटर कहता है मैंने उसका गाना मोशनलेस बिना हिले डुले एकदम शांति से सुना और जब मैंने बाद में उस जब मैं उस हिल को क्लाइम कर रहा था आगे, जब राइटर बढ़ा और माउंटेन मतलब क्लाइम कर रहा था, जब उस हिल को क्लाइम कर रहा था, तो उस लड़की का गाना राइटर के दिल में बस चुका था। उस लड़की का गाना बोर मतलब कैरी, तो उस लड़की का गाना फ्रेंड्स राइटर के दिल में गूंज रहा था तब भी जब उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मतलब काफी टाइम बाद जब राइटर आगे बढ़ चुका था और उस लड़की का गाना सुनाई नहीं दे रहा था तब भी उसके राइटर के दिल में वो गाना सुनाई दे रहा था। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।